बीच में डिस्प्ले के ऊपर लाइन्स आ रहा है, भूल कर भी दुकानदार के पास मत जा, घर पर ही ठीक कर सकते, नहीं तो दुकानदार आपको पैसे का चूना लगाने में देरी नहीं करे। करना क्या है खराब, डिस्प्ले वाला मोबाइल लेकर चार्जर पिन के नीचे लाइटर से 1-2 इंच की दूरी पर लाइटर 4 से 5 सेकंड चलते रहने दे और फिर पावर बटन को ऑफ करके चालू कर, आपका डिस्प्ले चुटकियों में फिर से नए जैसे हो जाएगा। सो हे गाइस, करंटली मेरे पास वीवो के तरफ से आने वाली वीवो की सबसे फ्लैगशिप लेवल की फ़ोन वीवो X80 है। एक समय में ये लॉन्च हुआ था, आज से 2 साल पहले, तभी मैंने इसको परचेज़ किया था, जो कि वेरिएंट है ये, यानी कि 12 GB रैम एंड 256 GB जो है इसकी स्टोरेज है। एंड इसको मैंने परचेज़ ऑलमोस्ट जो है 2 ईयर्स पहले किया था, जो कि आप देख सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर एक इशू आ गया, ग्रिल लाइन इशू, जो कि आप देख रहे होंगे इस फ़ोन के अंदर में। देख पा रहे होंगे बीच में ही आया है और ये लाइन जो है बहुत ही इरिटेटिंग है। मैंने बहुत सारे प्रयास किए कि ये ग्रिल लाइन हट जाए, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो ग्रिल लाइन इशू है, ये इससे पहले भी बहुत सारे फ़ोन में आ चुके हैं, अपडेट्स के कारण आते हैं, या फिर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है, या फिर जो है ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन कहीं ड्रॉप हो जाता है, गिर जाती है, तो भी ये लाइन आ जाती है। लेकिन मेरे सिचुएशन में ऐसा है कि मेरे साथ जो है ऐसा कोई घटना घटी नहीं है कि फ़ोन पानी में गिरा हो या फिर कहीं पे ड्रॉप हुआ। बाकी इसका मैं आपको बिल भी शो कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, आनंद कुमार चौधरी, जो कि मैंने फ़ोन परचेज़ किया था, ये 60,000 का अप्रॉक्स है और परचेजिंग डेट शो कर दे रहा हूँ 11 अक्टूबर 2022। तो करेंटली अभी जो है इसके 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं एंड पता नहीं ये जो भी फ़ोन कंपनीज है इनके माइंड में कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी जो है रन करती रहती है कि चलो अब जो है बहुत दिन यूज़ कर लिया 2 साल से ऊपर, एंड इसके जो है बहुत सारे नए वेरियंट आ चुके हैं, वीवो X100 भी आ चुका है करेंटली, तो वो सोचते हैं कि अपडेट करें, इस वजह से ऐसे इशू वगैरह आ रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग मैंने जो है कस्टमर केयर से भी बात की है, जो वीवो की तरफ से हैं, उनसे बात करने पे पता चला कि अगर ये ग्रिल लाइन अगर आपके फ़ोन में या तो लिक्विड गया हो अंदर या फिर फ़ोन ड्रॉप हुआ हो, ऐसी कंडीशन है, तो फिर आपको इसके चार्जेस लगेंगे, अन्यथा आपको जो है फ्री में ही जो है इसका रिपेयर हो जाएगा, स्क्रीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। साथ ही मैं जो कि वीवो की सर्विस सेंटर है हमारे मधुबनी के अंदर में, मैं वहां भी विज़िट किया था, वहां पे भी बात करने पे यही पता चला है कि अगर आपके फ़ोन में जो है पानी गया हो या फिर गिरा हो, टूटा हो, ऐसे कंडीशन में जो है आपको पे करना पड़ेगा एंड अन्यथा फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपकी जो डिस्प्ले है वो रिप्लेस हो जाएगा। बाकी डिस्प्ले का जो कॉस्टिंग मैं आपको बता दूँ वो है अप्रॉक्स 15,000, तो ये एक ह्यूज अमाउंट है। जब भी आप इस प्रकार के फ़ोन परचेज़ करते हैं तो ध्यान रखें कि अगर कुछ डैमेज वगैरह होता है तो आपको एक बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरे साथ करेंटली यही हुआ है, मैंने बहुत ही मुश्किल से जो अभी कुछ पैसे अरेंज किए हैं। साथ ही मधुबनी के मैं वीवो केयर में गया था तो उन्होंने जो है अभी स्क्रीन मंगवा ली है, आज मुझे कॉल भी आया था तो आज ही बोल लेते आने के लिए, लेकिन इसका जो है उन्होंने एक शर्त रखा है कि आपके जितने भी डाटा वगैरह हैं फ़ोन्स के अंदर उसको आप बैकअप करके आएँ, अन्यथा वो वहाँ भी बैकअप करते हैं तो वहाँ भी समय लग सकता है, तो बेहतर होगा कि आप अपने पास इसका एक बैकअप ले लें ताकि रिप्लेसमेंट करने के दौरान कुछ डाटा आपका जो है डिलीट हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है इस वजह से। तो फ़िलहाल मैंने जो है अभी डाटा बैकअप कर लिया। साथ ही मैं एक और चीज़ मैं बता दूँ कि YouTube पे ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे कि बोला जाएगा कि ये सेटिंग्स कर लीजिए, वो सेटिंग्स कर लीजिए, तो आपके जो है ये ग्रिल लाइन इशू हट जाएगा। तो आपको बता दूँ आप कुछ भी कर ले नहीं होगा। साथ ही में मैंने एक रील्स भी देखा था जहाँ बताया गया था कि यहाँ पे आप लाइटर को जो है कुछ देर जलाएं, जो इसकी जैक है चार्जिंग जैक, वहाँ पे 5-6 सेकेंड तक, मैंने जो है उससे ज़्यादा ही बार जो है बहुत बार ट्राई किया है
वही वीडियो में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, फिर भी वो नहीं हटा है। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉल्स हैं, वो सब ना ही करें तो बेहतर होगा। मोबाइल ऑन करिए ना, फिर बोला था पता। बाकी देखते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप ऐसे फ्लैक्सिब लेवल के फ़ोन परचेज़ करते हैं, मेरा 60,000 रुपया है, 2 साल के अंदर में फिर 15,000 रुपये लगेगा, तो ये भी तो गारंटी नहीं है कि अगर मैं इसका रिप्लेसमेंट वगैरह करवा देता हूँ पे करके भी, तो फिर जो है नए अपडेट्स के बाद फिर ये लाइनिंग वगैरह नहीं आएगा, ऐसी भी तो गारंटी नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप ऐसे फ़ोन्स वगैरह ना ही परचेज़ करें, आईफोन की तरफ जा सकते हैं। आईफोन 60,000 के अंदर में मुझे मिल सकता था, बट अब भुगत रहा हूँ चांद का फोटो लेने के चक्कर में। तो बाकी कल मैं आप लोग को शेयर करता हूँ, कल मैं वीवो सेंटर जा रहा हूँ, जो केयर है वहाँ पे डिस्प्ले आ गया है, तो वो जो भी बोलते हैं उसके बाद मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगा कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। बाकी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एंड्रॉयड के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि जो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह है, ये जो बग जो है स्टार्ट हुआ था आपको वन प्लस से फिर सैमसंग में, अब वीवो में भी आना स्टार्ट हो चुका है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि वीवो के X80 फ़ोन में बहुत सारे में जो है X80 एंड X80 प्रो दोनों के अंदर में ये ग्रीन लाइन इशू है। फिलहाल तो ये बीच में ही है और बहुत सारे में तो बहुत सारे हो जाते हैं, ये करीब 1 वीक से ऐसे ही है बीच में ग्रीन लाइन, ना ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है। साथ ही में पहले जो है वाइट लाइनिंग आया था, वाइट लाइनिंग पतला सा बहुत ही हल्का नज़र आ रहा था, फिर धीरे धीरे करके जो है ये पूरा डार्क ग्रीन हो गया है, एंड ये इतना ही पे अटका हुआ है, ना इससे ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है।